दुनिया का कोई भी मोटिवेशन आप पर तब तक असर नहीं करेगा जब तक आपके अंदर जीत का जुनून नहीं होगा। नमस्कार, शर्मा जी की कहानी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा, मनुष्य का असली आभूषण है उसका रूप, रूप का आभूषण है गुण, और गुण का आभूषण है ज्ञान, और ज्ञान का आभूषण है क्षमा। व्यक्ति के अंदर जब क्षमा आ जाती है तो उसका चरित्र बहुत ही उदार हो जाता है। और कुछ व्यक्तित्व में हो ना हो, लेकिन क्षमा का होना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए हृदय उदार होना चाहिए, सरल होना चाहिए। मैं एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। एक बार गुरु रामदास जी भिक्षा के लिए किसी के घर गए। वहाँ जो गृहिणी थी वो काम के कारण बड़ी परेशान थी। वो पोंछा लगा रही थी, वो पोंछा गीला था और मिट्टी से भी सना हुआ था। जब गुरु रामदास जी ने 3 बार आवाज़ लगाई, जय जय श्री रघुवीर, उसे और गुस्सा आ गया। वो वही कीचड़ वाला पोंछा उठा के लाई और उसने गुरु रामदास जी के सिर पर दे मारा और कहा, ले भिक्षा। लेकिन गुरु रामदास जी तो शांत स्वभाव के, उदार चरित्र वाले थे। उन्होंने उस गृहिणी को आशीर्वाद दिया और वो गीला कीचड़ वाला पोछा लेकर चले गए। जब शाम के समय उस गृहिणी को पता चला कि जिस सन्यासी के सिर पर उसने पोंछा देकर मारा है वो समर्थ गुरु रामदास जी थे, तो वो बड़ी उदास हो गई। उसके हृदय में आत्मग्लानी हो गई, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। वह वही उस ग्राम मंदिर में पहुंच गई जहां श्री रामदास जी ठहरे हुए थे। उसने वहां जाकर देखा कि समर्थ गुरु रामदास जी अपने शिष्यों से घिरे हुए हैं और जो पोंछा उसने मारा था उसको सुखाकर, उसकी बत्तियां बनवाकर दीपक जला रहे थे। वह गृहिणी गुरु रामदास जी के चरणों में गिर गई, रोने लग गई, क्षमा की याचना करने लगी। गुरु समर्थ ने क्या कहा उसे कि माँ उठो, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, तुम्हारे पश्चाताप के आंसू बता रहे हैं कि तुम निष्पाप हो, कोई बात नहीं। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, जिस प्रकार इस पोंछे से बनी हुई बत्तियां दीपक ज्योति बनकर चारों तरफ प्रकाश फैला रही हैं, उसी प्रकार ये माँ भी सबका कल्याण करेगी। तो देखो, ऐसे थे समर्थ गुरु रामदास जी, उदार हृदय वाले, सरल चित्त वाले। तुरंत उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। उनकी जगह कोई और होता तो उसे क्रोध आ जाता। बेटा, व्यक्ति के अंदर सभी गुण होने चाहिए, लेकिन क्षमाशील होना सबसे बड़ा गुण है। तो ये गुण आप में भी होना चाहिए। आप इस गुण को अपने आचरण में लाएं, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।